बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में जतन स्वरूप पीजी कॉलेज में बीएड विभाग के अध्यापक और छात्र छात्राओं ने मनाया शिक्षक दिवस कार्यक्रम, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य का स्वागत तिलक कर किया गया। उसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केक काटने का कार्यक्रम भी किया गया। कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा प्रधानाचार्य को भेंट किया गया संयुक्त उपहार। इस मौके पर बच्चों ने गीत कविता आदि पेश किए। कार्यक्रम का सुंदर संचालन शुभांगी शर्मा द्वारा किया गया, जिसकी प्रधानाचार्य ने भी प्रशंसा की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ज्ञान न्यूज से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ सितंबर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर Radhakrishnan. He was the one because you are our future teachers. Now, let's begin the celebration by taking the blessings of Maa Saraswati. Tu swarg ki data hai, tu hi varnon ki pyata, tujhme hi navate sheesh, he shaarde maa, de apna aashish. Now, I would like to request respected principal sir. और शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस अवसर पर। आज 5 सितंबर है और भारत में हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बधाई मैं आज की जो एंकर है उनको भी देना चाहूंगा बड़े खूबसूरती से, बहुत बढ़िया तरीके से। क्या नाम है आपका? सुभांगी शर्मा। बहुत अच्छे तरीके से आपने एंकरिंग किया, कंडक्ट किया इस प्रोग्राम को। अब आपको दो चार बातें मैं बताना चाहूंगा शिक्षक दिवस के संबंध में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डिपार्टमेंट, बीए डिपार्टमेंट शिक्षकों को पैदा करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, शिक्षक बनाता है। और जो शिक्षक बनेंगे उनको आगे क्या क्या हमारी भूमिका है, क्या क्या हमारे कर्तव्य है एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं यहाँ पर जो है सभी जो हमारे साथी शिक्षक हैं उनको शुभकामनाएं दूंगी आज दोबारा से इस अवसर पर। ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी और इस अवसर पर मैं जो बच्चे हैं कहा है सर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्रिंसिपल सर को। जिंदगी क्या है? एक पुरानी अलमारी सी है जिंदगी, जो खुलती है तो खुशियों की सौगात लिए आती है, कुछ यादों की बारात लिए आती है। कई बरसों की धूल सी ढकी हुई अलमारी सी हो, जब खुले तो पुराने पड़े गुलाबों की महक साथ लिए आती है। कुछ लिफाफे, कुछ दस्तावेज जिनसे बचते रहे कहा उम्र, वो उस बुढ़ापे के काम की भी याद लिए आती है। जिंदगी क्या है? कुछ पुराने सिक्के, कुछ कैरम की गोटी जो जीतने के लिए कभी छुपाए थे यहाँ, वो उन सिक्कों की भी आवाज लिए आती है। तू रूठ मैं मनाऊंगा तुझे तहा उम्र, तू रूठ मैं मनाऊंगा तुझे तहा उम्र, वो ये वादा और इस चमक को भी साथ लिए आती है। जिंदगी क्या है? जवानी है। नहीं नहीं, ये तो बुढ़ापा है तेरा मेरा, जो हजार लड़ाइयों किस्से कहानियों के साथ भी साथ जिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट में उपस्थित हमारे कार्यक्रम में के अध्यक्ष प्रिंसिपल सर प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी, मेरे डिपार्टमेंट के साथी शिक्षक और सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे महाविद्यालय के पुलिस और प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ये जो टीचर्स डे का फंक्शन है, जैसे बच्चों ने खुद भी बता दिया है, मैं यहाँ पर थी ही नहीं, 4 दिन से मैं जो है छुट्टी पे ही थी लगभग, क्योंकि मुझे ड्रिप चढ़ रही थी और ये सारा फंक्शन बच्चों ने सब खुद ऑर्गेनाइज किया है। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी सरस्वती, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो मुख से वो वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो डॉक्टर राधाकृष्ण एक विद्वान लेखक और आदर्श शिक्षक भी थे। शिक्षकों को समाज में सम्मान मिले इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। गुरु एक दीपक है जो अपने ज्ञान से पूरे संसार में उजाला कर सकता है। मेरा नाम संजय रानी है और मैं बीएड पिछले वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी टीचर्स शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपलब्ध हो रहे थे। आज मैं अपने शिक्षकों के लिए उन्हें शब्द दिए हैं, तो मैंने छोटी सी कविता लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा रास्ता सदैव दिखाया, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, हर कठिन रास्ते को भी आसान बनाया। हमारे शिक्षकों ने हर परिस्थिति के साथ हमें जीना सिखाया। ज्ञान की नींव से हमको सत्या सत्य का पाठ पढ़ाया। हमारे शिक्षकों ने सदैव हमें सही रास्ता दिखाया। लेट मी नो, आई विल मेक देम क्यूरियस लाइक माई लिटिल ब्रो, आई मे टीच देम अ लिटिल स्लो, बट आई विल श्योरली मेक देम ग्रो। थैंक यू सो मच। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझने प्रभु लिखा है गुरुवर मैं क्या करूँ, तुझने प्रभु लिखा है गुरुवर मैं क्या करूँ, गुरुवर मैं क्या करूँ। कभी तेरी वाणी कभी तेरी चरिया, रूप तेरा मुझको भा गया, ओ जब तक तरना ध्यान में रहना, मार्ग शुभ का तुझको भा गया, ना नहीं जानू तुझने प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूँ। जिले के किसी बड़ा बात नहीं, यहाँ जे एस पी जी कॉलेज है, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। वो क्या कार्यक्रम है, जैसे किसी बोल रहा है टीचर्स डे कुछ लग रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे कोई जानकारी कहाँ पर टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं गीता शेखावत जी, उनसे कुछ बात करते हैं शिक्षा पर, उनसे जानकारी देते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है। मैम हमारे दोस्तों जानना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के बारे में आप मुझे बताइए कि क्या प्रोग्राम है। सप्टेम्बर है और टीचर्स डे है, तो सेलिब्रेशन यहाँ पर हमने किया है। और क्योंकि बी एड का डिपार्टमेंट है सेल्फ फाइनेंस केयर्स का, और इसमें शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें जो हमारे काफी शिक्षक हैं उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, और इस प्रोग्राम में बच्चों ने अपनी अपनी जो विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, जरूरी है, चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे अपनी पोयम के माध्यम से हो, चाहे अपने गानों के माध्यम से हो। तो मैम इस प्रोग्राम में किस तरीके पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर कौन कौन थे, यहाँ पर टीचर्स के अलावा और भी कोई थे? सर यहाँ पर हमारे जो है जो जेएस कॉलेज का जो टीचर फाइनेंस के वो सभी यहाँ पर उपलब्ध थे, और बच्चों ने जो है बीएड के टीचर जो स्टूडेंट्स हैं जो भावी शिक्षक हैं उन्होंने ही इसमें प्रतिभाग किया है, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं, अपनी जो है भावनाएं व्यक्त की हैं पोएम के माध्यम से या फिर कविताओं के माध्यम से, या अपने जो विचार हैं उनसे व्यक्त किए। तो प्राचार्य भी थे जी, प्राचार्य भी थे।
जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रोग्राम था टीचर के जो प्रया बच्चों ने सेलिब्रेट किया था और उसी में अपने बच्चों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार जो भी के जितनी तैयार करके आए थे किसी ने स्वयं कहीं किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ गीत गाया, ये सब प्रतिभाएं हो गए अपने हमारे दर्शकों को समझ सकती। इसी के साथ कैमरा पर्सन बोले शर्मा जी बहुत ज्ञान है।